ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। रुद्रप्रयाग जिला अधिकारी मंगेश घिड़ियाल ने श्रमिक मंत्र की खबर का संज्ञान लेकर दीवली भणी ग्राम उखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग में क्वारंटीन किए गए लोगों के साथ हो रहे भेदभाव की जांच के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी को वहां भेजकर वहां की जानकारी ली। डीएम घिड़ियाल ने श्रमिक मंत्र संवाददाता से फोन पर बातचीत करते हुए कहा कि इस प्रकार की शिकायतें और भी जनपद रुद्रप्रयाग के कई अन्य जगहों से आ रही थी, जिसके बाद उन जगहों पर जिला स्तर पर नियुक्त किए गए अधिकारी को जांच करने को कहा। जिलाधिकारी ने ये भी बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा जहां पर भी बाहर से आए हुए लोगों को क्वारंटीन किया गया है, वहां लोगों के घरों से आ रहे भोजन वह खुद क्वारंटीन सेंटर के भीतर जाकर नहीं दे सकते हैं। परिवार वाले पका हुआ खाना सेंटर के बाहर तक ही लेकर जा सकते हैं और वहां से क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले व्यक्ति तक पहुंचने की जिम्मेवारी ग्राम प्रधान समिति द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति अपनी सुरक्षा मानकों को पालन करते हुए उस व्यक्ति तक खाना पहुंचाएंगे। लेकिन शिकायतकर्ता की ये शिकायत थी कि उनके लिए खाना लेकर परिजन खुद यहां तक आते हैं और शिकायतकर्ता की ये भी शिकायत थी कि जब क्वारंटीन सेंटर तक परिजन उनके संपर्क में आ ही जाएंगे तो इससे बेहतर होता कि वह लोग अपने घरों में ही होम क्वारंटीन होते। परंतु ग्राम प्रधान ये बता रही हैं कि यहाँ क्वारंटीन किए गए लोगों के साथ ना तो किसी भी प्रकार से जाति व समुदाय का होने का भेदभाव कर रही हैं, बल्कि वह अपनी सहूलियत के अनुसार अपनी सीमित संसाधनों के अनुसार ही यहाँ लोगों को क्वारंटीन किया है। और श्रमिक मंत्र नियुज का मकसद भी यही है कि जिस प्रकार से शिकायतकर्ता ने अपने साथ हो रहे भेदभाव का आरोप लगाया, यदि ऐसा हो रहा है तो श्रमिक मंत्र उसका खंडन व विरोध करता है और हमारा उद्देश्य समाज के किसी भी वर्ग के लोगों को आहत करना व ठेस पहुंचाना कतई नहीं है। साथ ही डीएम घिड़ियाल ने बताया कि उन्होंने ग्राम दीवली उखीमठ में जांच टीम को भेजा था, परंतु वहां शिकायतकर्ता से किसी भी प्रकार से भेदभाव किए जाने की शिकायत की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं जिलाधिकारी मंगेश घिड़ियाल ने ये भी बताया कि भविष्य में भी इस प्रकार के भेदभाव किए जाने की शिकायत जिला प्रशासन के पास आती है तो प्रशासन की तरफ से ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रमिक मंत्री।